दोस्तों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि बॉलीवुड की शान शाहरुख खान की फिल्म जीरो का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर रिलीज होकर अभी कुछ ही समय हुए हैं लेकिन इसे देखने वालों की संख्या लाखों में चली गई है। आइए इस टीजर को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीरो फिल्म में शाहरुख एक बौने इंसान का किरदार निभा रहे हैं जिसमें वे शानदार जच रहे हैं। टीजर की शुरुआत होती है जावेद जाफरी की आवाज से जो खूब तारीफों के पुल बांधते हुए किसी मेहमान का बॉक्सिंग रिंग में आने का स्वागत कर रहे हैं। शाहरुख को लगता है कि तारीफ उनकी हो रही है लेकिन ये क्या, दर्शकों के सामने सलमान खान की एंट्री हो जाती है, यानी तारीफें सलमान के लिए थी। आते ही सलमान शाहरुख को कहते हैं, क्या बौआ सिंह सुना है जिसके पीछे लग जाते हो, लाइफ बना देते हो, बस फिर क्या। एक टक बौने शाहरुख सलमान को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने दबंग खान जो खड़ा है। उसके बाद दोनों खूब मस्ती करते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। यहां एक बात तो साफ है कि जीरो फिल्म में शाहरुख खान का नाम बौआ सिंह है और वे उत्तर भारत के शख्स का किरदार निभा रहे हैं क्योंकि किंग खान ने गले में गमछा पहन रखा है। इस फिल्म में शाहरुख के फेवरेट सुखविंदर सिंह का भी स्पेशल गाना है क्योंकि टीजर में उनकी आवाज भी सुनने को मिल रही है। टीजर देखने के बाद इस फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक समझ आ रही है। बौआ सिंह जो हाइट में छोटा है पर खुद को सलमान खान या किसी दूसरे स्टार से कम नहीं समझता। बौआ सिंह अपने बौनेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी खासियत समझता है, इसलिए वो सभी का दिल बहला कर अपनी इम्पोर्टेंस जताना चाहता है। निर्देशन की बात करें तो आनंद एल राय की छाप टीजर में देखने को मिल रही है। बौआ सिंह के किरदार को देखने के बाद पता चलता है कि आखिर क्यों इस फिल्म में उन्हें बौना दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बौआ सिंह की हाइट की तरह जीरो फिल्म का टीजर भी बहुत छोटा है। महज 1 मिनट 15 सेकंड का ये टीजर भले ही छोटा है पर फैंस के दिलों में बड़ी जगह बनाने वाला है। यकीन मानिए अब फिल्म देखने का हमें बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि बॉलीवुड की शान शाहरुख खान की फिल्म जीरो का नया टीजर रिलीज हो गया है। टीजर रिलीज होकर अभी कुछ ही समय हुए हैं लेकिन इसे देखने वालों की संख्या लाखों में चली गई है। आइए इस टीजर को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीरो फिल्म में शाहरुख एक बौने इंसान का किरदार निभा रहे हैं जिसमें वे शानदार जच रहे हैं। टीजर की शुरुआत होती है जावेद जाफरी की आवाज से जो खूब तारीफों के पुल बांधते हुए किसी मेहमान का बॉक्सिंग रिंग में आने का स्वागत कर रहे हैं। शाहरुख को लगता है कि तारीफ उनकी हो रही है लेकिन ये क्या, दर्शकों के सामने सलमान खान की एंट्री हो जाती है, यानी तारीफें सलमान के लिए थी। आते ही सलमान शाहरुख को कहते हैं, क्या बौआ सिंह सुना है जिसके पीछे लग जाते हो, लाइफ बना देते हो, बस फिर क्या। एक टक बौने शाहरुख सलमान को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने दबंग खान जो खड़ा है। उसके बाद दोनों खूब मस्ती करते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। यहां एक बात तो साफ है कि जीरो फिल्म में शाहरुख खान का नाम बौआ सिंह है और वे उत्तर भारत के शख्स का किरदार निभा रहे हैं क्योंकि किंग खान ने गले में गमछा पहन रखा है। इस फिल्म में शाहरुख के फेवरेट सुखविंदर सिंह का भी स्पेशल गाना है क्योंकि टीजर में उनकी आवाज भी सुनने को मिल रही है। टीजर देखने के बाद इस फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक समझ आ रही है। बौआ सिंह जो हाइट में छोटा है पर खुद को सलमान खान या किसी दूसरे स्टार से कम नहीं समझता। बौआ सिंह अपने बौनेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी खासियत समझता है, इसलिए वो सभी का दिल बहला कर अपनी इम्पोर्टेंस जताना चाहता है। निर्देशन की बात करें तो आनंद एल राय की छाप टीजर में देखने को मिल रही है। बौआ सिंह के किरदार को देखने के बाद पता चलता है कि आखिर क्यों इस फिल्म में उन्हें बौना दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बौआ सिंह की हाइट की तरह जीरो फिल्म का टीजर भी बहुत छोटा है। महज 1 मिनट 15 सेकंड का ये टीजर भले ही छोटा है पर फैंस के दिलों में बड़ी जगह बनाने वाला है। यकीन मानिए अब फिल्म देखने का हमें बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।